प्यारे छात्रों, आप सभी का कुमार क्लासेज वाराणसी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भाइयों, दोस्तों, मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आज संडे के सुबह ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी मेरे भाई छोटे भाई UPPCL TG2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे निगेटिव थॉट आ जाते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि सफलता कैसे मिलती है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको उन सारी बातों का जिक्र करूँगा जो आपके मन में चल रहा होगा कहीं ना कहीं, और आप उससे कभी ना कभी परेशान होते होंगे, तो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं इतना ही कहूँगा कि मैं पढ़ाने के साथ साथ सही रास्ता भी दिखाता हूँ। इसी कारण 2019 में मैं 20 में से 12 लड़कों का सिलेक्शन सरकारी जॉब में करा पाया, जिसमें UPPCL में भी आपके बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फिगर्स यहाँ पर हैं। इनके बारे में मैं बताऊँगा कि कैसे पहले अटेम्प्ट में UPPCL TG2 क्वालिफाई किया। तो सबसे पहले आज का सेशन जो होगा उसमें क्या क्या डिस्कस होगी ये जान लीजिए, ताकि आपको भी भाई क्लियर हो रहा है कि अगर इन प्रश्नों को उत्तर चाहिए तो आप वीडियो देखिएगा कंटिन्यू, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हैं वीडियो को। और इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और सारे वीडियो लाता रहूं जिसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए बात कर लेते हैं। पहली बात करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई जारी कैसे रखेंगे निरंतर। कभी हो सकता है आप कंटिन्यू नहीं रखते हो, उसके लिए क्या करना चाहिए आपको। दूसरी क्वेश्चन आपके मन में होता होगा कि कभी आपको मन करता है, लक्ष्य भटक जाते हैं, कभी UPPCL TG2 की तैयारी, कभी रेलवे की तैयारी, कभी पुलिस की तैयारी, कभी कुछ की तैयारी। तीसरा है कि बहुत सारे लड़कों की मजबूरी होगी, बहुत सारे छात्र मेरे भाई होंगे जो क्या होंगे, जॉब करने के लिए उनको मजबूर होना होता होगा, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो जॉब करते हुए वो कैसे तैयारी करेंगे। और इन तीनों चीज का चौथा क्वेश्चन जो आता है, समरी आता है कि आखिर हम अपने स्टडी टाइम को कैसे मैनेज करें ताकि हम एग्जाम में सफल हों। और पांचवी बात होती है, इसी का सार है, कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, यानी स्टडी टाइम तभी मैनेज हो पाएगा जब आपकी दिनचर्या क्या हो, सही हो। आपकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, और इसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं स्वयं 10 से ज़्यादा सरकारी एग्जाम क्वालिफाई किया, जिसमें UPPCL, DMRC और TG2 भी शामिल है। और शुरुआत मैं DMRC से किया, आज बनारस में हूँ, हालांकि मैं अपनी विभाग और नाम अभी स्पष्ट नहीं करूँगा, कुछ टेक्निकल मैटर है, कुछ दिनों में अब भी ख़त्म हो जाएगा, बस आपका प्यार चाहिए, फिर मैं आपके पास लाइव भी आऊँगा और सारी बातें करेंगे। और इसमें और दीपक के दिमाग में जो वर्तमान हालात हो गया है उस पर भी चर्चा कर लेंगे कि TG2 का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को एक कन्फ्यूजन हो रहा है एग्ज़ाम कब होगा भाई, ये आज 9 तारीख है, 9 अगस्त आज फिर BEd का एग्ज़ाम हो रहा है इस कोरोना काल में, 16 अगस्त को ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की एग्ज़ाम PCS करा रही है, तो हमारी एग्ज़ाम कब हो सकती है इस पर भी डिस्कस करेंगे। और आपके मन में सारे सवाल होंगे, वो हमको लगता है कि वो ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट, मैं उसका जवाब दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में 2 लाइन बता दूं, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, और इसके बाद ये भी बताऊँगा कि कैसे आपको पढ़ना है और इस चैनल द्वारा भी क्या क्या कराया जा रहा है, इसके बारे में भी आप जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए, कि मैं
आज बनारस में गवर्नमेंट जॉब में हूँ और इसके साथ साथ बच्चों को गाइड भी कर रहा हूँ ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और आज की शुरुआत मैं एक शेर से करूँगा कि कौन कहता है कि मंजिल दूर है, कौन कहता है कि मंजिल दूर है। यदि मंजिल आपको सपने में भी दिखने लगे तो समझ लेना अब मंजिल के हम पास हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि लक्ष्य आपका अस्पष्ट है तो सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। सफलता होने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है सफल होने के लिए, वो आपका जुनून है, आपका जोश है। जब तक आप मन में यह ना मान लें कि मुझे सफल होना है चाहे कुछ भी हो जाए, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप लिख लीजिए और लग जाइए, और जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी परेशानियां हैं हमसे शेयर करिए, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए, होता ऐसा होगा आपके साथ, पहला क्वेश्चन लेते हैं कि आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी नहीं रख पाते होंगे। होता यह होगा कि आप में जोश उठा और आज मैं 8 घंटा पढ़ लिया। हम लोग के साथ भी होता था, हम भी पढ़ते थे तो होता था। आज 10 साल से मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो बहुत सारे आप छात्र सोचते होंगे कि 10 साल पहले कंपटीशन बहुत ईजी था। हाँ, आज के से थोड़ा इजी था, लेकिन उतना भी इजी नहीं था। कारण था कि आज जितने बुक्स हैं मार्केट में उतने बुक नहीं थे, आज जितने यूट्यूब्स हैं उतने नहीं था, बहुत सारे मटेरियल क्रसिस नहीं था, क्वेश्चन पेपर नहीं देखने को मिलता था। तो तमाम परेशानियाँ थी, उस समय की अलग कंडीशन थी, आज की अलग कंडीशन है। और आज के कंडीशन में भी 2019 में हमारे गाइड किए हुए बच्चे 12 सफल हुए। उनमें दो की कहानी भी सुनाऊंगा जिन्होंने प्रथम अटेम्प्ट में UPSC LTE 2 को फाई किया। तो चलिए, तो सबसे पहले आप अपने कन्फ्यूजन को दूर रखिए कि हमें पढ़ना है और सफल होना है। इस दृढ़ निश्चय के साथ पढ़िए, डाउट में मत पढ़िए। और निरंतर कैसे जारी रखेंगे, तो एक आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए पढ़ाई के लिए। और ऐसा कभी ना करें कि 10 घंटा एक दिन, एक दिन 0 घंटा, एक दिन 1 घंटा। कोशिश करिए कि एक बैलेंस रहे, एक बैलेंस के अनुसार पढ़ें तो आप निरंतर पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, लक्ष्य क्यों भटकते हैं, तो लक्ष्य इसीलिए भटकते हैं कि आपको लगने लगता है, कुछ दिन आप पढ़ते हैं आपको लगता है कि याद नहीं हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे नहीं होगा, आप छोड़ देते हैं। आपको लगने लगता है कि इससे आसान रेलवे की एग्जाम है, GK सिर्फ रटना है, उसमें ना कोई न्यूमेरिकल है ना ही कोई कंसेप्ट है, ठीक है। फिर आपको लगने लगता है कि इससे बढ़िया पुलिस है, सिर्फ फिजिकल ही निकाल लो, रिटेन तो बहुत कम जाता है कट ऑफ। तो आप बार बार क्या होता है, अपना लक्ष्य चेंज करते रहते हैं। क्यों करते रखते हैं, आप में आत्मविश्वास की कमी आ जाती है। तो ऐसा नहीं है, मैं लिख के देता हूं कि UPSC LTE 2 से इजी कंपटीशन पूरे भारत में कोई नहीं है। इसलिए नहीं है कि देखिए, मात्र 2000 ऐसे क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल में जिससे 150 प्रश्न पूछा जाता है आपको, उसी क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाता है, नया क्वेश्चन कोई नहीं आता है। अगर उस क्वेश्चन को आप थॉट के साथ समझते हैं, कंसेप्ट के साथ समझते हैं, तो क्या होगा, आप इलेक्ट्रिकल में 150 में 120 प्लस इजीली कर लेंगे और पूरा सिलेक्शन ही जाता है 120 पर। 50 नंबर नॉन टेक्निकल पूछता है, उसमें जो हाई स्कूल पास है वो 20 नंबर आराम से ला सकता है। तो 140 140 70% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा किसी भी स्थिति में। और ये पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था, हमारा सभी स्टूडेंट्स 20 के आसपास थे, 20 के 20
कंप्यूटर में कुछ पास हो गए, वो फाइनल सिलेक्शन हो गए, लेकिन 150 में किसी का 120 से कम नहीं था। अब देखिए आगे आता है, तो मेरा सलाह है आपको कि आप एक क्या करेंगे, डेली पढ़ने का प्रयास करेंगे, ना कि आपको एक दिन 8 घंटा पढ़ना है, एक दिन छोड़ना है, डेली पढ़ना है। आगे मैं डिस्कस करूंगा कैसे पढ़ना है, क्योंकि सब क्वेश्चन का एक ही है टाइम। अब तीसरा है कि जॉब करते हुए कैसे पढ़ें, तो भाई जॉब करते हुए आपको भी समय निकालना है, आपको और ज़्यादा सजग रहना है, आपको और ज़्यादा सजग रहना है, आपको ये देखना है कि जॉब पर जाने के पहले मैं कितना पढ़ सकता हूँ, जॉब के आने के बाद कितना पढ़ सकता हूँ, और जॉब में जो खाली समय मिलता है उसमें यूट्यूब वगैरह के सहारे भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरी है कि आपकी दिनचर्या कैसी हो, स्टडी टाइम को मैनेज कैसे करें, ये दोनों एक ही बात है, यानी सबका सार यही है कि दिनचर्या हमारी कैसी हो। ये 3-4 क्वेश्चन था, कैसे तैयारी करें, कैसे टाइम मैनेज करें, तो सबका समाहित एक ही है कि अगर दिनचर्या हमारी सुधर जाए, हम एक ग्राफ पकड़ लें, तो क्या होगा, सब सुधर जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे जो छात्रों में कमी होती है वो ये होती है कि हम एक लंबी लंबी रूटीन बना लेते हैं डेली 8 घंटे की, 10 घंटे की, और वो कहते हैं कल से पढ़ना है, और कल समय निर्धारित हो जाता है कि भाई 8 बजे से हम 1 बजे तक पढ़ेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, और 8 बजे से पढ़ना था और आप उठते हैं 9 बजे सुबह में, और क्या होता है, 1 घंटा आपकी गाड़ी लेट हो जाती है, और उस लेट की वजह से क्या होता है, आपको माइंड ख़राब हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है, और कहते हैं कि अब आज से नहीं, मैं कल से पढ़ूंगा। अरे भाई, तो फिर जो बाकी दिन था वो क्या हुआ, वो भी गया। तो कभी भी आपको लंबी रूटीन नहीं बनानी है, लंबा टारगेट सेट नहीं करना है, आपको उस टारगेट सेट करना है मैं बता रहा हूँ, उसको फॉलो करिए, 2-4 दिन में आपको लगेगा कि नहीं मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। तो आपको सोने से पहले अगले दिन की रूटीन बनानी है, सिर्फ अगले दिन की, ना कि पूरा अगले दिन, अभी घंटा की नहीं, सिलेबस की, सब्जेक्ट की, कि हमको क्या पढ़ना है। तो UPSC LTG 2 है, तो UPSC LTG 2 में क्या पढ़ना है भाई, कंप्यूटर पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, थोड़े बहुत रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। तो उस 50 सेक्शन को अभी छोड़ ही दीजिए, अभी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मेजर पार्ट्स है वो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है 150 नंबर, और इसके साथ साथ क्या है, कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर में कल 5 होना जरूरी है, तो कंप्यूटर पढ़ना है, और इसके साथ साथ क्या करना है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पढ़ना है। अभी उधर 50 नंबर छोड़ दीजिए, उधर बहुत ज़्यादा नहीं है, जब एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाएगा तो उधर भी थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा। आप ऐसे भी जानते भी होंगे, बहुत सारे रीजनिंग बनाने जानते होंगे, GS थोड़ा मोड़ा जानते ही होंगे, तो उधर 20 नंबर लाना, हिंदी जानते ही होंगे, इंग्लिश मान लीजिए वीक है, तो 20 नंबर आराम से आप ला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब ने हाई स्कूल पास किया है, सबको उतना नॉलेज है। तो आप क्या करेंगे, एक शाम में लिखना है आपको कि कंप्यूटर में क्या पढ़ना है हमको पूरे दिन भर में, इलेक्ट्रिशियन में क्या पढ़ना है, ठीक है, और उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। आप सुबह 7 बजे जगते हो, 8 बजे जगते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, जब भी आप जगें अपनी नींद पूरी करके जगें, और कोई नहीं है रूटीन, बस ये ध्यान रखिए एक चीज़ पूरा करना है, नींद पूरी करके उठिए, अर्थात नींद पूरी करने के लिए 7 से 8 घंटा सोना जरूरी है, ठीक है, 7 घंटा से 8 घंटा सोना जरूरी है। और जब आप 7 से 8 घंटा सो लेते हैं पूरी फ्रेश से, तो क्या होता है, आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे और आपकी पढ़ाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ने बैठे और आपको नींद लगने लगे, इसलिए फिर 8 घंटा सो लीजिए।
जो निगेटिव पॉइंट है उसी को खत्म कर लीजिए कि बार बार नहीं रहता है, नहीं आएगा। अब इसके बाद और सा भी काम हो सकता है होगा, तो ये आपको डिसाइड करना है कि किस समय हम पढ़ सकते हैं। घंटे की बात नहीं हो रही है, हमने कहा कि आप टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, वीकली टॉपिक सेलेक्ट करेंगे कि एक सप्ताह में हम कितना पढ़ लेना है, उसी के अनुसार मंथली टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, इतना पढ़ लेना है। सिलेबस आपको पता ही है क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी में 15-16 चैप्टर है, उसी को ख़त्म करना है बार बार, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक और दो किताब ही बार बार पढ़ना है, ठीक है। तो आप शाम में लिख लीजिए और उसमें जो भी है आप टारगेट सेट कर लीजिए कि ये चीज़ें पढ़ना है हमको, उसको ख़त्म करना है। जब भी आपको मौका मिले, आपको लगेगा कि अभी मैं 2 घंटा पढ़ सकता हूँ, इस चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ, तो पढ़ लीजिए। फिर कुछ काम है काम कर लीजिए, और सुबह में अगर संभव हो पाता है तो आसानी है, कोई भी काम 8 बजे से 7 बजे से पहले नहीं करेंगे आप। अगर 5 बजे जग जाते हैं 3 घंटा यहाँ, तो आपका फिक्स है कुछ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। दोपहर में पढ़ लीजिए, रात में सोने के पहले पढ़ लीजिए, और इसके साथ साथ वीक में एक संडे को आप रिवीजन का रूटीन बना लीजिए कि रिवीजन हम जितना पढ़े हैं वीक में एक रिवीजन करेंगे। अब इसमें 3 क्रेडिट होगी, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से। सबके लिए एक थ्योरी नहीं हो पाता है क्योंकि सबकी कंडीशन अलग अलग होती है, लेकिन ये चीज़ कॉमन बात थी कि सबको एक दिन का ही रूटीन बनाना है, और घंटे का नहीं, टॉपिक्स का, सिलेबस में इतना चीज़ कवर करना है उसका रूटीन बनाना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे, और अगर आप निश्चित रूप से मेहनत करते हैं सही दिशा में, तो सफलता मिलेगी। मैंने भी ये महसूस किया है कि मैं उन्हीं एग्जामों में सफल रहा जहाँ पर हमारा क्या था, लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, लक्ष्य स्पष्ट भी था तो क्या था, हमने कोताही बरती, ठीक है। तो कोताही बरतने का कारण था भाई, नौकरी में है, पैसा 50,000 से अधिक मिल रहा है, तो कभी कभी लगता है कि अरे इससे बढ़िया यही है, चलो क्या है जाना है। मैं PCS में फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाया, इसी का नहीं हो पाया कि कन्फ्यूजन था जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे। चलिए आप समझ गए होंगे कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको दो बच्चों की कहानी सुनाता हूँ फिगर के साथ, आपको उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि कैसे एक लड़का आता है और पहली अटेम्प्ट में PCLTG2 क्वालिफाई करता है। तो मेरा स्टूडेंट रहा है, ये देख रहे होंगे उसका फिगर यहाँ पर, परजेश। जब रेलवे की वैकेंसी आई थी पिछली बार तो आया, ये किसी ने बताया सर से मुलाकात कर लो, आया बोला सर हमको रेलवे की तैयारी करनी है। तो बोले ठीक है, मैं साइंस पढ़ा रहा था रेलवे के लिए, और उस समय पहली बार आपको पार्ट बी बना दिया गया था, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो ट्रेड था उसमें क्वालिफाई था, उसके लिए ट्रेड पढ़ाने वाला था अभी। तो मेरे पास 10 लड़के आए हो गए थे और उन सबको पढ़ना था, इसी बीच में PCLTG2 की वैकेंसी आ गई, और मैंने सबको सलाह किया है कि रेलवे से बढ़िया PCLTG2 की है तो इसकी पढ़नी चाहिए। और उस समय 1 महीना ही समय दिया गया था एग्ज़ाम के लिए, और उन्होंने कहा कि सर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 1 महीना में, हमने कहा कि हो जाएगा, आप मेहनत करने के लिए तैयार हो। तो बोले कि जी सर। तो मैंने 3 घंटे का क्लास लिया पर डे और 1 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया, हालांकि वो एग्ज़ाम उस समय नहीं हो पाया, एग्ज़ाम टल गया 1 साल बाद हुआ, फिर भी इनका सिलेबस ख़त्म हो गया। इसके बाद ऐसे ये हमारे पास टेस्ट देने आते थे, टेस्ट भी चलता था, और टेस्ट के साथ साथ ये बने रहे पढ़ाई में, कंटिन्यू रही पढ़ाई, इसको हमने कुछ पढ़ाया नहीं, ऐसे टेस्ट लिया, मेहनत इन्होंने किया। फिर एग्ज़ाम अचानक हो गया PCLTG2 का, जिस दिन एग्ज़ाम था PCLTG2 का, ये बच्चा वजेश बंगलोर में था, क्योंकि एक दिन पहले इसका वहाँ पर क्या था, LP मेंस का एग्ज़ाम था। हमको फ़ोन किया सर,
कल बनारस में एग्जाम है यूपीसीएल वाली, क्या करूं। तो हमने कहा कि आ जाओ फ्लाइट से, एग्जाम छोड़ो मत, तैयारी अच्छी है तुम लोगों की, जरूर सफलता होगी। और इसने बात मानी और फ्लाइट पकड़ के, जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह आता है, सेकेंड मीटिंग में एग्जाम थी, एग्जाम देता है और यह पहली बार में सफल होता है। तो देखिए वहीं पर बंगलोर में ही चार स्टूडेंट और भी थे हमारे जो नहीं आए, उनकी तैयारी भी कम नहीं थी, वो रेलवे में सेलेक्ट भी हुए लेकिन यूपीसीएल में नहीं हो पाए। अगर आते तो हो सकता था, बहुत ज़्यादा चांस था उसका भी होता। तो इसलिए सफल होना के लिए लक्ष्य सही होना जरूरी है, तभी आप क्या करते हैं, कोई भी हिम्मत जुटा पाते हैं, कोई भी डिसीजन ले पाते हैं कि हमको नहीं इस समय ये काम नहीं करना है, ये काम करना है। और एक कहानी मैं सुनाता हूँ, इसी वैकेंसी में एक राजेश नाम का बच्चा था, देखिए इसका फिगर ये है, ये भी बीपीसीएल में सिलेक्ट हुआ। ये मुंबई में प्राइवेट जॉब करता था और कितने सालों से इसकी पढ़ाई का कोई नाता तो नहीं था, लेकिन इसके एक रिश्तेदार ने बताया कि सर मेरा एक रिश्तेदार है उसको पढ़ाना है, वो 1 महीने की छुट्टी लेकर आ सकता है। तो एग्ज़ाम के 3-4 महीना पहले आया था 1 महीने की छुट्टी लेकर, और अभी 2-3 घंटा पढ़ के सिलेबस कंप्लीट किया। इसको मैं स्पेशली पढ़ाया, अकेले पढ़ाया था, बैच में भी पढ़ा देता था, देखिए इसका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। और ये जॉब करते हुए मेहनत किया और पहली बार में PCLTG2 क्वालिफाई किया। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग जॉब कर रहे हैं वो पास नहीं हो सकते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, सही दिशा में करते हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। तो आप पढ़िए, अगर पढ़ाई में किसी प्रकार की आपको व्यवधान है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 7752800510 पर मैसेज व्हाट्सएप करिए, जो भी आपकी परेशानी है। अगर पर्सनल बात करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं बात भी कर लूँगा, आपको कॉल नहीं करना, मैं अपने सुविधा अनुसार बात कर लूँगा। और अगर बात करने से नहीं, वीडियो से ही सलूशन मिल सकता है, तो मैं वीडियो भी बना दूँगा। अब देखिए, अब तीन कैटेगरी है, एक ऐसी कैटेगरी होगी कि जो पहली बार एग्जाम देने जा रही होगी, उनको आइडिया कम होगा, नए लड़के होंगे जो ITI पास किए होंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, प्रीवियस क्वेश्चन जिसको चाहिए मैं उपलब्ध करा दूंगा, इसके लिए मैं कल अलग वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको प्रीवियस क्वेश्चन मिलेंगे। पिछली बार के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन मेरे पास हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा PDF के रूप में, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, लंबी हो जाएगी, लेकिन सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन देखना है। इसके बाद क्या करना है, आपको अपनी सिलेबस को एक बार जरूर ख़त्म करिए, जल्दी से जल्दी, बुक्स पढ़कर, यूट्यूब देखकर। और सिर्फ यूट्यूब देखने से नहीं होगा, आपको बुक्स पढ़ना चाहिए, यूट्यूब देखिए, ठीक है, यूट्यूब देखने के बाद या पहले बुक्स को भी पढ़िए उस चैप्टर को, तब आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे, क्योंकि यूट्यूब में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है, उसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है। यूट्यूब देखिए, जहाँ आपको कन्फ्यूजन है उस टॉपिक को यूट्यूब से सर्च करिए, किसी चैनल से देखिए, सभी चैनल अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कोई खराब पढ़ाता है, सभी पढ़ा सबका पढ़ाने का स्टाइल अलग अलग है, सभी अच्छे पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स 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 होता है। तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं और हम भी पढ़ा रहे हैं, हमारा अच्छा लगता हो तो मेरा पढ़ लीजिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन तो जरूर ले सकते हैं हमसे, और नहीं पढ़ना भी हो तो, ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊं, तीसरी कैटेगरी होगी जिनको लगता होगा कि हमारा तैयारी कंप्लीट है, हम पूरी पढ़ चुके हैं, एग्जाम जल्दी से जल्दी हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो उनके लिए सलाह है कि अभी तक मैं 17 प्रैक्टिस सेट दिया हूं अपने चैनल पर, इलेक्ट्रिकल के और कंप्यूटर के, आप उसको बनाइए, उसका PDF भी चाहिए तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, मैं PDF भी भेज दूंगा, PDF मैं फ्री में देता हूँ।
और आप उसमें कट ऑफ भी लिखा हुआ है, कट ऑफ आप देख लीजिए, आप कट ऑफ अगर पार करते हैं तो निसंदेह आपकी तैयारी ठीक है, ठीक ठाक है, आप सफल होंगे। अगर कट ऑफ नहीं है ठीक ठाक, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है, इससे आप जांच सकते हैं अपनी तैयारी को, एक आधार दे सकते हैं। दूसरी बात आती है कि जिनकी तैयारी लगता है कि पता ही नहीं है क्या है, तो वो क्या करेंगे, चैप्टर वाइज पढ़े, चैप्टर वाइज बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे चैनल हैं, टेस्ट दें। और जब एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो जाती है तो प्रतिदिन मिसलेनियस सेट्स जो 150 का होता है उसको दीजिए 15 से 20 टेस्ट, जो मैं भी लेकर आऊँगा। ठीक है, कंप्यूटर के लिए क्या करना है, इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कंप्यूटर में 20 नंबर कैसे आएगा आपका, चैनल के साथ बने रहिएगा। अब बात कर लेते हैं TET2 एग्जाम डेट की और कट ऑफ की। ठीक है, तो एग्जाम डेट की बात कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं एक वीडियो बनाया था, ये जब फॉर्म भरने शुरू हुआ था उसके 2 दिन बाद, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन था कि फॉर्म का डेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मैं बताया था और रूल भी बताया था। इस वीडियो को जाकर देखिएगा, ऑफिशियल TET2 एग्जाम डेट टेंटेटिव हमारे चैनल पर, क्योंकि उतना फिर लंबा वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है। और मैं उसमें बताया था जो रूल है, जो रूल कहता है कि सितंबर सेकेंड वीक से पहले एग्जाम समय आना संभव नहीं है नियम के अनुसार, और कोरोना के कारण मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है एग्जाम अक्टूबर में हो, एक दूसरे वीडियो में। लेकिन अब जो सरकार डिसीजन ले रही है, देख रहे हैं कि आप यूपी बीएड की एग्जाम हो रही है इतने कोरोना काल में, और UPPCS करा रहा है ब्लॉक रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का एग्जाम, तो आपका भी एग्जाम हो सकता है संभव हो, करा ले सितंबर में, सितंबर के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में करा ले। तो आपके पास 1 महीना समय है, मान के चलिए 1 महीना समय है, और एक महीने में आप तैयारी पूरी रखेंगे, और ज़्यादा समय मिलेगा तो फिर आप दोहराएंगे उसको, समय नहीं मिलेगा तो आप एग्जाम देंगे। तो मेहनत शुरू कर दीजिए, तेज कर दीजिए, कि आप किसी गलतफहमी मत रहिए कि कोरोना कारण एग्जाम नहीं होगा, हो भी सकता है, सरकार कह रही है होगा तो हो सकती है भाई, एक चलाना सरकार को है ना, तो हो सकता है। तो 1 महीना समय मान के चलिए सितंबर में एग्जाम कराए जा सकते हैं, अगस्त में तो संभव नहीं है, सितंबर में एग्जाम हो सकते हैं। ठीक है, मैं पहले भी बताया था, अब कोरोना के कारण कब होगा अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिली, हमने भी जानने का प्रयास किया तो अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन जब ही जानकारी मिलती है स्पष्ट, मैं उसका वीडियो भी लाऊंगा। तो ठीक है छात्र, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जब भी किसी को दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7752800510 पर मैसेज करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बने रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, और मेहनत करना आपके हाथ में है तो करिए। कट ऑफ की बात है, लास्ट क्वेश्चन है, कट ऑफ आपका कितना जाएगा, तो पिछली बार से अधिक जाएगा, और इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी झंझट होता है, इसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ेगा कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है। तो आप वो सब चिंता छोड़िए, ये एक एक ही तरीका है, मैं कह रहा हूँ 140 नंबर अगर आ जाता है तो कितना भी नॉर्मलाइजेशन हो, किधर भी जाए, आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो आपकी टारगेट क्या होना चाहिए, 140+, और 140+ कैसे आएगा इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि डेली रूटीन पर आ जाइए, लंबी रूटीन छोड़ दीजिए जो फॉलो नहीं हो रहा होगा आपसे, एक दिन का टारगेट सेट करिए और उसको पढ़िए, सफलता निश्चित मिलेगी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार, जय हिंद।